हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीएन सर। जैसा आप लोगों को द फन दे हैड पढ़ाया है, आज इसके एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो इसे ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, इसमें जो है 4 टाइप्स दिया गया है, ठीक है, 4 टाइप्स दिया गया है। जैसे टाइप फर्स्ट देखिए, ए टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। टाइप फर्स्ट जो रोमन में लिखा गया, देखिए रोमन में टाइप फर्स्ट लिखा गया है, इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इनके जवाब आपको कुछ शब्द या कुछ वाक्यों में करना होगा, तो टाइप फर्स्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको टाइप सेकंड बताता हूँ। टाइप सेकंड में भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दिया गया है, ठीक है। इसमें से बुक का कोई लाइन दे दिया गया है और उस लाइन से संबंधित क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसे आपको करना है टाइप टू में, क्लियर। अब टाइप थर्ड में आइए। देखिए ये टाइप थर्ड है, देखिए टाइप थर्ड में 1 to 8 मतलब 8 क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको 30 वर्ड्स में लिखना है। टाइप थर्ड में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसे आपको 30 वर्ड्स में लिखने हैं। उसके बाद आपका है टाइप फोर। टाइप फोर में देखिए, टाइप फोर में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको 100 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है, तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि आप थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट है इसमें थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में फर्स्ट एडवर्ब दिया हुआ है, ठीक है, एडवर्ब दिया है। तो रीड दिस सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी, आप इसे पढ़िएगा। अगर है कि शब्द कंप्लीट एडजेक्टिव है और जब इसमें एल वाई जोड़ देते, मतलब आपको जो है एडवर्ब खोजना है, ठीक है। एडवर्ब आप ऐसे समझिए इसको कि जैसे कि इसमें कम्प्लीटली दिया गया है, ये जो कम्प्लीटली है वह एडजेक्टिव कम्प्लीट से बना हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देते हैं तो वह एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। देखिए शब्द कम्प्लीट एडजेक्टिव है, जब इसमें एल वाई जोड़ देते हैं तो वह एडवर्ब बन जाता है, यानी जो यहाँ पर कम्प्लीटली है यह एडवर्ब है, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एडवर्ब है वह एल वाई ला करके बनाया जाता है। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 क्या, देखिए दिया कि फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स, ठीक है। लेसन जैसे दिया है ऑफुल्ली, सॉरोफुल्ली, कम्प्लीटली, ठीक है, क्विकली, इससे वर्ड्स दिया गया है, इन्हें आप अपने बुक के पैराग्राफ में खोजेंगे और देखेंगे ये कहाँ प्रयोग किए गए हैं, ठीक है ना। ये जो है एडवर्ब्स हैं, अपने बुक में खोजेंगे वे किस पैराग्राफ में हैं और किस लाइन में हैं। जैसे ऑफुल्ली दिया है, इसमें आंसर भी दिया हुआ है ऑफुल्ली, तो जो ऑफुल्ली है वह फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है और लाइन देखिए यह है। तो ऐसे ही आप इसे नहीं देखेंगे, आंसर नहीं देखिएगा, आप खुद ही खोजिएगा कि ये वर्ड्स कहाँ हैं, ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आइए, इसके बाद दिया है नाउ, अब यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, 8 सेंटेंसेज हैं, तो इन वर्ड्स को जो है आप जहाँ सूटेबल समझेंगे आप उसे भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है लेकिन आप देखिएगा नहीं, खुद भरिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट देख लिया आपने, सेकंड भी देख लिया, थर्ड देखिए,
मेक एडवर्ब फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स, यहाँ पर एडजेक्टिव दिए गए हैं, ठीक है ना। आपको एडवर्ब बनाना है, एडवर्ब बनाने के लिए क्या करेंगे, ELY जोड़ देंगे, ठीक। तो एंग्री है तो एंग्रीली, मेरी है तो मेरीली, ईजी है तो ईजली, इस तरह से आपके एडवर्ब बनाया गया है ELY लगा करके। तो एडवर्ब समझ में आ गया होगा। तो लैंग्वेज में टाइप फर्स्ट देखा, अब टाइप सेकंड देखिए। टाइप सेकंड क्या है, इफ़ नॉट एंड अनलेस, ठीक है। तो देखिए अनलेस, देखिए पैसे दिया गया है, ये पैसे को आपको जो है ध्यान से रख ध्यान देना है। और फ्यूचर टेंस के कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, देखिए अनलेस इफ अनलेस। प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, वी प्रिजर्व देम, यू डोंट स्टडी रेगुलरली, ही ड्राइव्स मोर सॉरोफुली। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे यह कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, आपको कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, तो एक तो क्लॉज ये है, एक और बना देना है। जैसे इफ़ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टू नाइट, यदि आज रात मैं अनु के पार्टी में नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, आपको इमेजिन करके कोई सूटेबल वाक बना देना है। जैसे इसमें दिया हुआ सी विल बी एंग्री विद मी, तो मुझसे नाराज़ हो जाएगी, ऐसे सभी में एक एक वाक्य बना देना है। जब इसे बनाएंगे तो इस तरह से आपका ये कंडीशनल सेंटेंस पूरा बन जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद दिया है राइटिंग। राइटिंग में क्या है, यह लेटर लिखने के लिए दिया है, लेटर आपको बुक मंगवाना है, ठीक है। लेकिन लेटर लिखने से पहले आप जान लीजिए कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। लेटर मुख्य रूप से जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल लेटर, जो पर्सनल लेटर होता है वह मित्रों को सगे संबंधियों को लिखा जाता है, क्लियर। मित्रों को और सगे संबंधियों को पर्सनल लेटर लिखा जाता है। दूसरा है ऑफिशियल लेटर, जो ऑफिशियल लेटर होता है और सरकारी अफसरों को लिखे जाते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत शिकायत पत्र लिखते हैं, कंप्लेंट्स, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, या संपादक को लेटर लिखते हैं, क्लियर। तो ये सभी जो है आपके ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ठीक। तो यह भी जो है आपका ऑफिशियल लेटर ही है, क्लियर। और तीसरा जो है आपका है वह बिजनेस लेटर है, जो बिजनेस लेटर होता है वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों और ग्राहकों को लिखे जाते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आपने जान लिया कि लेटर तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल लेटर, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर। इस तरह से आपको लेटर लिखना है, यह आपका ऑफिशियल लेटर है। और ध्यान दीजिए, जब ऐसे लेटर को आप लिखिएगा तो सबसे ऊपर दाहिने तरफ आप जो है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, सबसे ऊपर दाहिने तरफ आप अपना एड्रेस लिखेंगे, यह ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए उसके बाद स्पीकिंग दिया हुआ है, स्पीकिंग बोलना। नेक्स्ट अब स्पीकिंग बोलने के लिए जैसे कहा, इसमें कहा गया है इन ग्रुप ऑफ फोर डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स, या कुछ टॉपिक दिए गए हैं और फोर की संख्या में रह करके आप इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक। और यहाँ पे कुछ हिंट दिया गया है, जब आप डिस्कस करेंगे तो आप इनका हिंट ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, और जब सहारा लेंगे और जब बोलेंगे इसके बारे में तो ऐसे आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा, जो इसमें दिया गया है यहाँ तक ये पैराग्राफ बन गया, ठीक। उसके बाद जो है आपका डू अ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बनाना हुआ, देखिए कैसे बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज दिया है, एक्सरसाइज ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज है क्या है, यह आपके बुक का जो पैसेज है, जैसे दे टर्न्ड थ्रो इट अवे, यह बुक के आपका एक मतलब पैसेज है, इस पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स दिया है, क्वेश्चंस भी 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, पर 5 तक दिया है, ठीक है। तो ऐसे पैसे दिए जाएंगे और उसमें से क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको पैसेज को पढ़ करके आंसर लिखना होगा, क्लियर। तो
1, 2, 3, 4 फोर पैसेज इस तरह से आपका दिया हुआ है, आप इसे करेंगे, हम जो है इसे बताएंगे आप लोगों को, तो इस तरह से ये पैसेज करेंगे, क्लियर। चलिए इसके बाद जो है ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जैसे आपने पहले देखा है उसी तरह का है, आप इसे करेंगे। तो आपको जो है यह जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पूछेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आएगा पेपर, जो है जो पेपर बनेगा, परीक्षाएं होंगी, क्वेश्चंस कैसे आएगा, आप उसे जान लीजिए। देखिए जो प्रोज होगा, जो आप प्रोज पढ़ रहे हैं, जैसे आप प्रोज पढ़ रहे हैं, देखिए इधर प्रोज, यह 1 से 11 तक पूरा प्रोज है आपका, 1 से 11 तक क्या है, पूरा प्रोज है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद 8 का जो ऑन किलिंग अ ट्री, द बॉन्ड ऑफ लव, द स्नेक ट्राइंग, द काठमांडू, अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सिल, इफ आई वर यू, जो हमने टिक किया हुआ है, एक क्वेश्चन, ये जो चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, COVID-19 के वजह से कम कर दिया गया है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए समय कम मिलता है, इसलिए कम कर दिया गया है, लेकिन इससे 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन में पहला होगा पैसेज, जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है, इससे पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से कुछ क्वेश्चन बना देगा, ठीक। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनाया जाएगा, 1 पैसे दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन बनेगा, दोनों का आपको आंसर लिखना होगा, 2-2 नंबर का होगा, यानी 4 मार्क्स हो जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन में जो 2 होगा वह लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन करना होगा 4 मार्क्स का, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर का, और इस तरह से 4 नंबर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वह मैचिंग होगा, और यह 3 नंबर का रहेगा, मैचिंग मतलब वर्ड्स मीनिंग में मैचिंग करने के लिए आ सकता है, या वर्ड्स विलोम अपोजिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यह मैचिंग होगा। तो इस तरह से 4 तरह के क्वेश्चन इस प्रोज से आपको आएगा, आपको ध्यान रखना, क्लियर। तो फिर देख लीजिए, पैसेज से 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर का, 4 नंबर हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन 1 करना होगा, 4 नंबर का। शॉर्ट क्वेश्चन 2 करना होगा, 2-2 नंबर का, 4 नंबर। और मैचिंग में 3 वर्ड्स आएंगे मैच करने के लिए, तो 3 नंबर का यह हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका 15 नंबर का यह इस चैप्टर अर्थात प्रोज से जो पूरा दिया गया है, इस प्रोज से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और मुख्य रूप से आपको इसी पर फोकस करना है, ठीक। पैसेज, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मैचिंग, ओके।